किसी भी वर्ल्ड वॉर के पीछे कोई एक कारण नहीं होगा, बल्कि पिछले कई सालों से चली आ रही ग्लोबल एक्टिविटीज की वजह से किसी वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, जिसमें एक एक करके पूरी दुनिया के कई देश शामिल हो जाते हैं। लेकिन हर बड़े युद्ध के पीछे एक ऐसी घटना जरूर होती है जो दशकों से इकट्ठा होने वाले तनाव का नतीजा होती है। WMD यानी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तीन प्रकार के होते हैं, जो भविष्य में WW3 यानी वर्ल्ड वॉर 3 का कारण बनेंगे। नंबर 1 बायोलॉजिकल वेपन्स, नंबर 2 टेक्नोलॉजिकल वेपन्स, नंबर 3 केमिकल वेपन्स। आज तक हमारी दुनिया दो विश्व युद्धों से गुजर चुकी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला, ये युद्ध जो 4 करोड़ लोगों की मौत का कारण बना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में केमिकल वेपन का खूब इस्तेमाल किया गया था। उस समय फ्रांस पहला देश था जो डायनेसिडाइन क्लोरोसल्फोनेट युक्त रासायनिक बमों का इस्तेमाल करता था। नेक्स्ट इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1939 से लेकर 1945 तक चला ये युद्ध, जिसमें 8 करोड़ लोग मौत के घाट उतारे गए। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय के नाम के एटम बम ने हिरोशिमा को तहस नहस कर दिया, और 9 अगस्त 1945 को फैट मैन एटम बम ने नागासाकी को, जिससे जापान में 2 लाख से अधिक मौतें हुई। इसके बाद इससे पैदा हुए रेडिएशन का शिकार कई वर्षों तक जापान की कई पीढ़ियां हुई, जो टेक्नोलॉजिकल वेपन्स पर आधारित युद्ध था। लेकिन सोचिए, अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए तो क्या होगा? इसके चांसेस इसलिए भी ज्यादा बन रहे हैं क्योंकि दुनिया के देशों के आपसी झगड़े और एक दूसरे को नीचा दिखाने की मानसिकता के कारण थर्ड वर्ल्ड वॉर से इनकार नहीं किया जा सकता। आइए अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जो थर्ड वर्ल्ड वॉर करा सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं जैविक हथियार यानी कि बायोलॉजिकल वेपन के बारे में। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के केंद्र में प्रवेश कर चुकी है और किसी को इस बात की भनक तक नहीं, सिर्फ एक वायरस ने साइलेंटली लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। चीन पर आरोप है कि चीन ने पूरी दुनिया के खिलाफ WW3 यानी वर्ल्ड वॉर 3 छेड़ दी। चीन पर अमेरिका ने आरोप लगाया कि चीन ने कोरोना से जुड़ी जानकारी छुपाने और गुमराह करने की कोशिश की। दरअसल न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि 34 साल के एक चीनी डॉक्टर ली वेनलियांग ने मैसेजिंग ऐप वीचैट के जरिए बताया कि सी फूड बाजार से आए 7 लोगों में कोरोना वायरस मिला है, जो कि एक संक्रमित करने वाला वायरस है। ये संदेश कुछ ही घंटों में तेजी से वायरल हो गया। तब पुलिस ने उन्हें अफवाह फैलाने के जुर्म में खूब टॉर्चर किया। कुछ दिनों बाद उस डॉक्टर की कोरोना वायरस से मौत हो गई। लेकिन क्या सच में उस डॉक्टर की कोरोना वायरस से ही मौत हो गई थी, या उसे राज खोलने के बदले मार दिया गया था? अमेरिका के कोरोना वायरस स्पेशलिस्ट एंथोनी फॉसी ने 2017 में ही भविष्यवाणी कर दी थी कि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में एक संक्रामक बीमारी का प्रकोप होगा। लेकिन सवाल यह है कि 2017 में इस तरह की भविष्यवाणी किस आधार पर की गई? 2018 में द इंस्टीट्यूट फॉर डिजीज मॉडलिंग ने जारी अपने एक वीडियो में दिखाया कि चीन के वुहान से एक ऐसा वायरस फैला है जिसके चपेट में आकर लाखों लोग मारे गए। उन्होंने इसे महामारी कहा और 2 साल बाद ठीक ऐसा भी हुआ। COVID-19 चीन में 2019 के अंत में आया था, इसीलिए इसे COVID-19 नाम दिया गया। 2015 में एक डच सरकारी संगठन द्वारा कोविड टेस्ट किट को पेटेंट कराया गया। अब सवाल ये उठता है कि महामारी के बारे में किसी को इतने साल पहले ही कैसे पता लगा था? इसके अलावा वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशन के डेटा से कुछ चौंकाने वाली बातें भी सामने आई। 2017 में हजारों की संख्या में COVID-19 के टेस्ट किट को पहले से कई देशों में कैसे बेचा गया? सोशल मीडिया पर जब ये सूचना वायरल होने लगी तो वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशन विट्स ने इसका नाम बदलकर मेडिकल टेस्ट किट कर दिया। क्या ये सारी बातें इत्तेफाक थी या एक गहरी साजिश जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रही है? सबूत के आधार पर कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस एक प्राकृतिक वायरस नहीं बल्कि एक साजिश है। अमेरिकी डिजिटल मैगजीन अनडार्क में कहा गया है कि वुहान की लैब में चीनी वैज्ञानिकों ने वायरसों के साथ छेड़छाड़ की ताकि वो इंसानों को संक्रमित कर सके। वैज्ञानिक निकोलसन बेकर के मुताबिक चीन ने वायरसों से छेड़छाड़ कर नए नए म्यूटेंट बनाए और नए वायरस को जानवरों से इंसानों के बीच फैलाने की योजना को अंजाम तक पहुंचाया। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब चीन की साजिश थी तो चीन में ही ये कैसे फैल गया? इस सवाल के जवाब में निकोलसन कहते हैं, हो सकता है परीक्षण के दौरान वैज्ञानिकों के हाथ से फ्लास्क गिर गए हो, या फिर किसी संक्रमित जानवर ने किसी वैज्ञानिक को काट लिया हो, या गलती से संक्रमित सुई खुद की चुभ गई हो।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के दस्तावेज के मुताबिक 2004 में वुहान की लैब से पहले भी वायरस लीक हुआ था। अमेरिका की खुफिया एजेंसी के हाथ में कुछ ऐसे पेपर लगे जिससे कहा गया कि चीन वायरस को लैब में तैयार कर रहा था और बायोलॉजिकल वेपन्स के तौर पर इस्तेमाल करके तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक कोरोना वायरस पर चीन 2015 से ही रिसर्च कर रहा था, जिसे वो बायोलॉजिकल वेपन्स की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन रिपोर्ट में चीन के एक रिसर्च पेपर को आधार बनाया गया। उस रिसर्च पेपर के मुताबिक चीन 6 साल पहले से सॉर्स वायरस की मदद से बायोलॉजिकल वेपन यानी जैविक हथियार बनाने में जुटा था, जिसमें चीनी वैज्ञानिक और हेल्थ ऑफिसर 2015 में ही कोरोना के अलग अलग स्ट्रेन पर चर्चा कर रहे थे। उस समय चीनी वैज्ञानिकों ने कहा था कि तीसरे विश्व युद्ध में इसे जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इसमें हेर फेर करके इसे महामारी के तौर पर कैसे बदला जा सकता है। नए वायरस को इंसान को संक्रमित करने की रफ्तार में काफी देर लगती है, इसीलिए 2004 में फैले सॉर्स का फैलाव तो लिमिटेड था, लेकिन कोविड-19 ने तो सबको इतनी तेजी से संक्रमित करके हैरान ही कर दिया। कहा जा रहा था कि वायरस चमगादड़ या दूसरे जानवरों से फैला है, लेकिन जब चीन के वुहान के आसपास लाखों जानवरों की जांच की गई तो किसी भी जानवर में इस वायरस का अंश तक नहीं मिला। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस वायरस से मिलते जुलते किसी भी वायरस में ऐसे साइट्स नहीं मिले हैं जो कोरोना वायरस को तेजी से फैला सके, क्योंकि साइट्स 4 अमीनो एसिड से बने हैं। अगर म्यूटेशन होता भी रहे तब भी किसी वायरस में ऐसे 4 अमीनो एसिड जुड़ पाना संभव नहीं। इसकी संभावना तभी है जब लेबोरेटरी में अलग अलग वायरस से इसे लेकर बनाया गया हो। चीन के ही एक मशहूर वैज्ञानिक ली मैंग येन ने खुलासा किया कि इसके पीछे चीन की कम्युनिस्ट सरकार का हाथ है। कोरोना वायरस के जरिए वो दुनिया पर राज करना चाहता है। इन सब सबूतों के आधार पर यही बात सामने आती है कि चीन ने इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाले वायरस की खोज कर ही ली और फिर इसे जानबूझकर इंसानों के बीच छोड़ दिया। इस वायरस के बारे में चीन के सरकार को सब कुछ पता है, इसीलिए चीन में इसके प्रसार को फौरन रोक दिया गया था। हालांकि चीनी मीडिया रिपोर्ट में इसे पूरी तरह खारिज करते हुए चीन के खिलाफ एक साजिश बताई, पर जो भी हो इस कोरोना काल के दौर में चीन की जीडीपी ग्रोथ बढ़ चुकी है, जबकि पूरी दुनिया की इकोनॉमिक कंडीशन डावाडोल है। इसी बीच चीन लगातार अपने स्पेस मिशन को भी अंजाम तक पहुंचा रहा है। वो सभी देश खास तौर पर इस वायरस के शिकार हुए हैं जिनकी चीन से प्रतिस्पर्धा रहती है। अगर ये वास्तव में चीन की सोची समझी साजिश है और ये एक जैविक हथियार है तो ये निश्चित तौर पर वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है। आज के युग में डेवलप होती टेक्नोलॉजी के कारण हम फर्श से अर्श पर तो पहुँच गए, लेकिन ये टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा हम इंसानों के लिए लाभदायक है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी, जो कि तीसरे विश्व युद्ध का बड़ा कारण बन सकती है। अगर हम बात करें परमाणु हथियार के बारे में तो सबसे पहले दुनिया में केवल 5 देशों के पास परमाणु हथियार थे, US, UK, रशिया, चाइना और फ्रांस। इसके बाद और भी देशों ने परमाणु हथियार विकसित कर लिए, जैसे भारत, पाकिस्तान, इसराइल और उत्तर कोरिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या के मामलों में रशिया सबसे आगे है। रूस के पास मौजूदा वक्त में 6,850 परमाणु हथियार हैं। देखा जाए तो इन परमाणु हथियारों को लेकर कई सारी संधि और शर्तें बनाई गई हैं। परमाणु हथियार रासायनिक हथियारों की तुलना में अधिक खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनके विनाश की कोई सीमा नहीं होती। आप अनुमान नहीं लगा सकते कि एक परमाणु हथियार जीवन से जुड़ी हर चीज को नष्ट कर सकता है। दरअसल परमाणु हथियार में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है, इसीलिए ये बड़े पैमाने पर विस्फोट करने में सक्षम होता है। कहा जाता है कि 1,000 किलोग्राम से बड़ा परमाणु बम इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है जितनी कई अरब किलोग्राम विस्फोट से पैदा होती है। विश्व में अभी तक 2 बार परमाणु विस्फोट हुआ है। न्यूक्लियर बम का प्रभाव सदियों तक भी रह सकते हैं। प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ में कई सारे देशों ने अब तक परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम, यूरेनियम, प्लूटोनियम जैसे खतरनाक बम बना लिए हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक तेज एंटी क्रूज मिसाइल है, जिसे भारत ने रशिया की मदद से बनाया है। 9,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने वाली ये मिसाइल 1,000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को कुछ ही सेकंड्स में ही खत्म कर सकती है, जिसे कई दूसरे देश भारत से खरीदना चाह रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये जमीन, हवा, पनडुब्बी या युद्धपोत कहीं से भी दागी जा सकती है। ये रडार को भी चकमा देती है।
युद्ध की स्थिति में ये हवा में ही अपना रास्ता बदलकर वॉर कर सकती है। इसे विकसित करने में भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की अहम भूमिका है। ये खतरनाक न्यूक्लियर वेपन बनाकर खरीदे और बेचे भी जाते हैं। इसी प्रकार 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेर्नोबिल में स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट में लापरवाही के कारण एक ऐसी घटना घटी जिसमें करीब 25,000 लोग मारे गए। दरअसल 26 अप्रैल को रात 1:23 पर प्लांट की बिजली गुल हो जाने के बाद रिएक्टर नंबर 4 पर अनियंत्रित भाप का दबाव बनने लगा। भाप के इस दबाव के चलते दो बड़े विस्फोटों के कारण रिएक्टर की 1000 टन की छत उड़ गई। इससे हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में 400 गुना ज्यादा रेडिएशन निकला। वहाँ कई महीनों तक रेडिएशन के चलते या तो कई लोगों की मौत हो गई या लोगों में कैंसर फैल गया। इस हादसे का नतीजा ये रहा कि चेर्नोबिल अभी तक डेवलप नहीं कर पाया है। 2011 में आई सुनामी के दौरान जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट हाइड्रोजन विस्फोट में तबाह हो गया। सुनामी ने रिएक्टरों के कूलिंग सिस्टम को तहस नहस कर दिया था, जिससे 3 रिएक्टर पिघल गए। इसके बाद बिगड़े हुए रिएक्टरों को ठंडा करने के लिए 10,00,000 टन से ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया गया। तब से स्टोर्ड उस पानी को जापान अब समुद्र में बहाने वाला है, जिसका विरोध वहां के स्थानीय मछुआरों समेत चीन और दक्षिण कोरिया भी कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने जापान के इस निर्णय का समर्थन किया है। ये सभी घटनाएं इस बात की तरह इशारा करती है कि किसी भी देश का न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, लेकिन वो दूसरे देशों के साथ साथ खुद के देश के लिए भी कितना घातक साबित हो सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम का ही एक प्रकार है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना अधिक पावरफुल होता है। हाइड्रोजन बम में फ्यूजन या संलयन की वही प्रक्रिया होती है जो सूर्य में होती है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। इसका सफल परीक्षण दुनिया में अमेरिका, भारत, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और नॉर्थ कोरिया द्वारा किया जा चुका है। हाइड्रोजन बम धरती पर से इंसानों का अस्तित्व मिटाने के लिए काफी है। धरती पर सुपर पावर बनने के साथ ही कई देश स्पेस में भी अपना दबदबा बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए वो अंतरिक्ष में अपनी आर्मी तैनात कर रहे हैं। अंतरिक्ष में बढ़ते खतरों को देखते हुए अमेरिका, रूस, चीन के बाद अब फ्रांस ने भी स्पेस फोर्स तैयार कर ली है और सैन्य अभ्यास भी शुरू कर दिया। लेकिन स्पेस में वॉर प्रैक्टिस क्यों हो रही है? वो इसलिए क्योंकि अगर कभी स्पेस में युद्ध हो तो देश कैसे उन हालातों का सामना करेंगे। ये एक तरह से स्पेस वॉर की मॉक ड्रिल होंगी। दरअसल ब्रिटेन और अमेरिका ने आरोप लगाया है कि रशिया ने अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट से हथियार जैसी कोई चीज लॉन्च की है। इससे अंतरिक्ष में हथियारों की नई रेस लगने की पूरी आशंका है। स्पेस अलग अलग देशों के सैटेलाइट से भरा हुआ है, जो दुश्मनों को ट्रैक करने में मदद करते हैं। कई देशों को, खासकर चीन की विस्तारवादी नीति से डर है, इसीलिए सैटेलाइट की मदद से वो चीन पर निगरानी रखते हैं। तो वहीं चीन सैटेलाइट हैकिंग पर काम कर रहा है। अगर वो इसमें सफल हो जाता है तो कई देशों की शामत आ सकती है। अरबपति बिजनेसमैन एलन मस्क के अनुसार चंद्रमा और मंगल पर बेस बनाने को लेकर भी तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। इंसान अपनी विकसित टेक्नोलॉजी के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी मशीनें बना रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े अधिकांश खतरे काफी हद तक इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन सा देश इसे पहले से और ज्यादा डेवलप कर सकता है। स्टीफन हॉकिंग और एलन मस्क जैसे दिग्गज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहले ही भविष्य के लिए खतरा बता चुके हैं। क्या हो दोस्तों, अगर यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स हमारे ही खून के प्यासे हो जाएं? इसके जवाब में एलन मस्क का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फीलिंग नहीं होती और वो युद्ध को ऑटोमेटिक हैंडल करने की क्षमता रखते हैं, तो इससे खतरनाक कुछ भी नहीं। किसी देश के लीडर्स द्वारा युद्ध को टाला जा सकता है, लेकिन AI ऐसा कतई नहीं करेंगे। गूगल, डीप माइंड और अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने एक पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र से किलर रोबोट्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में स्वतंत्र रूप से काम करेगी। उसमें ना तो भावनाएं होंगी ना ही संवेदनाएं। हो सकता है कि भविष्य में वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले, जो मानव जाति के लिए घातक साबित हो सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जो कोई भी देश इस क्षेत्र में लीड करेगा वो दुनिया पर राज करेगा। WW3 होने का तीसरा सबसे बड़ा कारण है केमिकल वेपन। एक केमिकल वेपन मानव निर्मित केमिकल के इस्तेमाल से बनता है। मतलब ये कि रासायनिक हथियारों में ऐसे घातक रसायनों का इस्तेमाल होता है जो एक बड़ी आबादी को मौत के मुंह में पहुंचा देते हैं। रासायनिक हथियारों का सबसे पहली बार इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया। दरअसल केमिकल वेपन्स में जहरीला केमिकल होता है, जिसमें विस्फोट होते ही जहरीले रसायन हवा में फैल जाते हैं, जिनका लंबे समय तक हवा में असर रहता है। इन सभी समीकरणों को अगर एक साथ देखा जाए तो महसूस होता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर यकीनन बहुत विनाशकारी होगा। धन्यवाद।